अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ प्रॉन्स पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी जो है ना, वो बहुत ही झटपट बन जाती है। इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगती, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम प्रॉन्स ले लिया है, ये साफ़ है, पूरा क्लीन है अच्छे से, तो इसे मैंने रख लिया है क्लीन करके। अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे बस लेमन जूस है ये ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम एक साइड में रख लेंगे। इसमें से प्रॉन्स में जो स्मेल आती है वो भी निकल जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 कप राइस ले लिया है जिसे मैंने वॉश कर लिया है और इसे थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया है। तो अभी हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे, कोई भी आप वेसल ले लेना। उसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ गरम मसाले डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटी इलायची लिया है, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक है और 2 से 3 लौंग है। और उसे थोड़ा सा हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 कप अनियन है, ये एक ही अनियन है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है स्लाइसेस में। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। इसका कलर हमें नहीं चेंज करना है, ये जो है ना सिर्फ हमें ऑयल में इसे अच्छे से भून लेना है। तो देखिए ये हमारे अनियन थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता और हम जो ग्रीन चिलीज होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। जो हरी मिर्ची थी उसे मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसे भी मिक्स कर देंगे। अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और साथ ही में हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड करेंगे। और अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लेना, और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमें मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालना है, आप फ्लेम को चाहो तो स्लो पे रख देना, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप रखोगे तो आपके मसाले नहीं जलेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए। तो अभी हम इसमें हमारे जो प्रॉन्स हैं ना वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी से। तो अभी इसमें मैंने 1 टमाटर है ना उसे कट करके डाल दिए इसमें, उसे भी हम मिक्स कर लेंगे और उसको सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे, क्योंकि हमारे जो टमाटोज़ है उसका भी पानी छूटेगा। तो अभी हम फ़िलहाल पानी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर ये मसाले भून गए। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मसालों का कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो गए एक दूसरे में। तो थोड़ा सा हम कोरिएंडर ऐड करेंगे और अब इसमें हम 3 कप पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप राइस लिए थे तो यहाँ पर 3 कप हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो चावल है ना वो खुले खुले पके, चिपकेंगे नहीं आपके राइस। और यहाँ पर मुझे लगता है मैंने जो पानी डाला है वो परफेक्ट है, क्योंकि चावलों को भी मैंने भिगो के रखा था। तो अभी हम इसका पानी पूरा सुखा देंगे। ये देखिए पूरा पानी जो है, मॉइस्चर इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी से हम ढक के 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे रख देंगे दम पे। ये देखिए हमारा पुलाव रेडी हो गया है और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और कितना जल्दी से हमारा पुलाव रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रॉन्स पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगर आप चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।
ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।